हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। एक वीडियो में एक टॉपिक खत्म वाली सीरीज में आपका स्वागत है। आज वीडियो नंबर है 13 और टॉपिक है आपका HCF, यानी HCF बाई मल्टीपल मेथड। बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा, 7 से 8 मिनट के अंदर सब एकदम फाइनल क्लियर हो जाएगा। आज के बाद दोबारा आपको HCF का ये कॉन्सेप्ट नहीं देखना होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि संख्या 7, 5 व 2 का HCF बताइए। तो पहले मैं आपको इसमें का 2 ट्रिक और टिप्स बताऊंगा जो कि आपके लिए टाइम बचाएगा, ठीक है। ये नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं 7, 5 एंड 2, अगर इनकी आप फैक्टर करो, फैक्टर करना आप सबको पता है, पढ़ा चुका हूं पहले, तो इन तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। आप देखोगे संख्या एक 1 होगी, 1 ही तीनों में कॉमन होगा, बाकी और कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। याद रखना, अगर कोई ऐसी नंबर दी गई है जिनका कोई आपस में कॉमन फैक्टर नहीं है तो उनका HCF हमेशा 1 होता है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। या एक प्रकार से ये कह लो कि अगर दी गई सभी संख्याएं अभाज्य हैं, जो भी दी गई सभी अभाज्य हैं, तो उनका HCF 1 होता है, ठीक है, समझ में आया ना। लेकिन लेकिन क्या, अगला देखो बस, इनका HCF क्या होगा, इनका भी 1 होगा। देखो कैसे, इनको मैं करके भी दिखा देता हूं, थोड़ा सा जगह भी मेरे पास। अगर मैं 8 का फैक्टर करूं तो आपको पता है कि इतना आएगा, अगर मैं 25 का फैक्टर करूं तो 5 × 5 आएगा। अगर इसमें हम 1 को इंक्लूड कर लें, 1 क्योंकि सब में रहता है, तो 1 को छोड़कर बाकी कोई भी दोनों में कॉमन नहीं है। तो साथी मेरे, ऐसी कंडीशन में इनका HCF क्या होता है, 1 होता है। बात समझ रहे हो ना, यही एक तरीका है। अगर नंबर्स में कोई भी आपस में कॉमन फैक्टर नहीं तो उनका HCF हमेशा 1 होता है। अगला एक टाइप का टिप्स एंड ट्रिक्स दूसरे के लिए क्या है, वैसे मैं बेसिक बताऊंगा अभी, चिंता मत करो, टेंशन मत करो भैया, चिल रहो एकदम। देखो ऐसी कंडीशन है कि दी गई जो बड़ी वाली संख्या है वो सबसे छोटी वाली संख्या से पूर्णतः विभाजित है, या फिर ये कह लें हम कि छोटी वाली संख्या से बाकी सभी संख्याएं पूरी तरह से विभाजित हो रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में HCF हमेशा छोटी वाली संख्या होती है, ठीक है। चाहे तुम करके देख लो, अगर इनका मैं निकालूं सब कुछ तो भैया ये इतना आएगा। ये लो देखो, इनमें जो कॉमन फैक्टर है 1 1 है और 3 3 है, बाकी कौनो नहीं है, तो इनका जो HCF होगा भाई साहब 3 होगा। 3 × 1 भी करोगे तो 3 ही आएगा। बात समझ में आ रही ना। देखो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो फट से लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपको बिल्कुल फ्री यूट्यूब में सारी क्लासे मिल पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कर दिया है। चलिए आगे, अब आ जाते हैं बेसिक मेथड पे जो मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे करेंगे। आइए, सबसे पहले मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आपको गुणनखंड करना आता है। नहीं आता है तो कमेंट करना, मैं उसका वीडियो दे दूंगा, ठीक है भैया। तो देखो मेरे बाबू, इनमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम 12 का फैक्टर करेंगे, तो 2 × 4 = 12 आएगा और 1 भी रहेगा। ये हो गया 12 का फैक्टर, यानी गुणनखंड। अगला 16 का करेंगे तो 2 × 4 × 8 × 16 और ये इसका हो गया फैक्टर। अब हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है। क्या करना है भैया, HCF फाइंड करना है। तो दोनों में जो कॉमन है देख लो, कॉमन जो है उनको मैंने पकड़ लिया भाई साहब, कॉमन 2 2 और 1, फाइनल में कितना आ गया, 4। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी किसी भी नंबर्स के जो फैक्टर हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। जैसे इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो कर सकता हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो इन्हीं दोनों में मैं एक्सप्लेन करके तुम्हें दिखाता हूं। वास्तव में ये होता क्या, जैसे 12 है ना और ये 16 है, तो भाई साहब एक संख्या है 2 जिससे ये दोनों पूर्णतः विभाजित हैं, बोलो है कि नहीं, यानी 2 से भाग करने पर ये दोनों पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे, 0 आएगा आएगा। तो संख्या 2 क्या है, इनका फैक्टर हुई, ठीक है, क्या हुई, फैक्टर हुई। एक संख्या है 4, अगर 4 से हम भाग करें तो 4 से भाग करने पर भाई साहब ये पूरी तरह से विभाजित हैं, बोलो हाँ या नहीं, यानी जो संख्याएं 12 और 16 हैं 2 से भी पूर्णतः विभाजित हैं, 4 से भी विभाजित हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात होती है, तो हाईएस्ट कौन सा है, बड़ा कौन है, 4 है ना, इसलिए इसका उत्तर 4 होता है। इसमें थोड़ा कम फाइनल हुआ क्योंकि 2 ही आ रहे हैं,
हम तो हमारे तो वाले सीन है, हम तो हमारे बहुत सारे उसमें देखो तुम्हें ज्यादा क्लियर हो। देखो भाई जैसे मान लीजिए ये चीज मैंने ले लिया भाई, हाँ भाई पट ले लिया 30 और एक ले लिया 20, हाँ चलो समझना। अब अगर हम देखें यहाँ पर संख्या एक है तो अब दो से ये भी पूरी तरह से डिवाइड है और ये भी डिवाइड, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ एक प्रकार से कि भाई साहब अगर ये कंडीशन है ना तो संख्या दो जो है इन दोनों का फैक्टर, मानते हो ना। और अगला देखना, अगर मैं चार की बात करूं तो चार से तो दोनों डिवाइड नहीं है, क्या पांच है, हाँ पांच भी है कोई दिक्कत नहीं, चलो पांच से ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है, बट इनका कलर थोड़ा बदल दो, पांच से भी डिवाइड है। अगला नंबर 10 ले लो भाई साहब, 10 से ना ये 57 डिवाइड है, मतलब 10 से ये 30 भी डिवाइड है और ये 20 भी डिवाइड है, मतलब इन दो संख्याओं के जो फैक्टर हैं भैया वो 2, 5 और 10, ये सभी क्या है, ये कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। बट हमारा जो एच सी एफ ये तीनों क्या है, सी एफ है, कॉमन फैक्टर है, बट इसमें यच घुस जाता है, हाईएस्ट। तो सबसे बड़ा कौन है, हाईएस्ट कौन है, 10 है ना, इसलिए इनका एचसीएफ 10 होगा। बात समझ में आई, बिल्कुल समझ जाओ, मतलब समझ जाओ, केवल गणित का किताबी भाषा मत सीखो कि भैया ऐसे ऐसे करते हैं तो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता नहीं, क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, ये तुम्हें पूछना चाहिए, थोड़ा सा इसको जगाते रहो। बात समझ में आई ना, ऐसा एचसीएफ तुम्हें कोई नहीं पढ़ाता होगा। हाँ रियल है, चलो तो ये बात समझ में आई, लोग केवल यही पढ़ा देते हैं ऐसे ऐसे होता वैसे वैसे होता, बस आपके मन में सवाल आना चाहिए क्यों होता है। ये तो उस कहानी थी जब इनके तीन फैक्टर थे, ऐसे नंबर भी होते हैं जिनके फैक्टर मान लीजिए 50 फैक्टर हैं, तो आंसर सबसे बड़ा वाला फैक्टर होगा, फिर उसके आगे कोई और फैक्टर ना हो सके। जैसे संख्या 10 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों पूरी तरह विभाजित हो जाए, अगर है तो बताओ, नहीं है ना, नहीं है ना, अगर है तो बता दो ना, नहीं है ना। ऐसे तरीके से आप और भी निकाल सकते हो, बहुत सारा निकाल सकते हो, कर सकते हो, अगर कुछ भी आपको समस्या आ रही तो बताओ, नहीं चलो ठीक है। अगला इनका आंसर बताओ, चल भैया रेडी, चलो 20 और 24, इनका अगर एचसीएफ बताना हो तो मैं बता सकता हूं चट से पट से, कैसे, 4 होगा, क्यों, क्योंकि 4 5 20 एंड 4 6 24, और 4 से बड़ा कोई संख्या आज तक पैदा नहीं हुई कि इन दोनों को इकट्ठा काट दे। 5 से 24 कट जाएगा तो सॉरी 20 कट जाएगा, 24 नहीं कटेगा, 6 से 24 कट जाएगा, 20 नहीं कटेगा, 12 से 24 कट जाएगा, 20 नहीं कटेगा, 10 से 20 कट जाएगा, 24 नहीं कटेगा। ये तो वही हो गई हस्बैंड वाइफ वाली बात, जब लड़ाई चलती हो तो तुम्हारी मुझे नहीं पसंद, मुझे तुम्हारी नहीं पसंद, समझ रहे हो कि नहीं। चलो देखो कैसे, मैं बताना क्या चाहता हूँ, समझ रहे हो कि नहीं, दोनों कॉमन होना चाहिए, एक पे बैठनी चाहिए, समझ रहे हो ना, बैठनी चाहिए एक पे, मतलब उसी नंबर पे दोनों डिवाइड होनी चाहिए, कॉमन होना चाहिए, समझा ना। चलो तो इनके अगर फैक्टर की बात करूं तो 2 दूना 4 और 5 20 और ये 1, इनके फैक्टर की बात करूं तो 2 दूना 4 दूना 8 और 3 24 और 1, इनमें कॉमन ले लो भैया साहब, 2 ही कॉमन है, 1 थी 2 और कॉमन है, और कौनों नहीं कॉमन है, ये लो एचसीएफ आ गया आपका, 2 गुणा 2 गुणा 1 = 4 हो गया आंसर, खत्म, बात पक्की ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वैसे मुझे लगता है ये क्लास काफी लंबी हो जाएगी कि नहीं, और बता दूं, चलो बता देता हूँ एक आध दो और, काहे को दिक्कत लेते हो भाई, चलो देखते जाओ प्यार से। संख्या 30 व 40 का एचसीएफ बताओ कैसे होगा, जरा सोचो, कर लोगे ना पक्का, इसका तुम होमवर्क मुझे बताओगे कमेंट करके, क्वेश्चन नंबर 5 का मुझे होमवर्क बताओगे, चलो घर से करना। 6 नंबर बताओ, ये भी तुम घर से करोगे, होमवर्क है। 7 नंबर कर लोगे ना पक्का, कोई दिक्कत है तो बता देना कि यहाँ तकलीफ हो रही है, नहीं ना, ये भी कर लोगे ना, बोलो भाई साहब कर लोगे ना, अरे करना क्या है यार, ऐसे लिख लो इनको, ऐसे सजा के लिख लो सुंदर सुंदर सा, इनका फैक्टर कर लो, इनके तो कोई है नहीं आगे पीछे, इनके तो देखो हैं 1 थी और इनके भैया ढेर सारे हैं, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे बात खत्म, 2 दूना 4 3 12, कॉमन फैक्टर की बात आई जब तब हो गया गड़बड़,
क्योंकि कॉमन फैक्टर वन के सिवा कोई है ही नहीं, वन की कोई औकात नहीं, इसकी कोई इज्जत नहीं, तो वन क्या आता है, यही आंसर हो जाता है, बस बात खत्म। समझ में आया ना? चलो एक बात है, खुशखबरी क्या है कि आने वाली 15 सितंबर से आपकी बेसिक मैथ्स की एक न्यू बैच आ रही है। अगर आप गणित में बिल्कुल मास्टर बनना चाहते हैं, सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, देखो पढ़ाई कई तरीके की होती है, कुछ लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ब्याह हो जाएगा, कुछ लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि बाबू पैसा दे रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, सहारा में रह रहे हैं तो घूमने को मिल रहा है, थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं, वैसे घर वाप रहेंगे तो भैंस वहीं चराएंगे, थोड़ा सा घर का काम करना पड़ेगा इसलिए पढ़ रहे हैं, हाँ उनको भी पता है कुछ नहीं होने वाला है। और कुछ लोग इसलिए रियल में पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके अंदर ना भूख है, तूफान है कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ हासिल करने का, समझ रहे हो ना? कार से चलने वाले हवाई जहाज से चलने को सोच रहे हैं, सपना देखा उन्होंने फिजिकल दुनिया में जिंदगी जीने का। देखो जिंदगी जीना और जिंदगी काटना दोनों में अंतर होता है, कभी समझना बैठ के शांति से, मुझे कमेंट में बताना तो मैं आपको बता दूंगा क्या डिफरेंस होता है। तो कुछ लोग जिंदगी जीते हैं, कुछ लोग जिंदगी काटते हैं, जिनकी टाइम खुशियों के बीत रहे हो उनके 1 घंटे का कीमत 1 सेकंड के बराबर होती है, और जिनके सिर पे मुसीबत आई हो, परेशान हो जिंदगी से, उनका 1 सेकंड भी एक जिंदगी के बराबर लगता है, समझ रहे हो? तो वो ऐसा ना हो, आपका टाइम ना आपको इतना भारी ना लगे, इसलिए अभी टाइम है, कुछ मेहनत कर लो, कुछ अच्छा कर लो जिससे कि ये जिंदगी आसानी से गुजर जाए, है ना? ठीक है, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना जिससे मैं अगला वीडियो ला सकूं, अगला वीडियो किस टॉपिक पे लाना है कमेंट में बता देना।